सादिया खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो अभी मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ वो है लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड कैरी मिनाटी। तो मुझे बहुत सारे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आ गए थे कि कैरी मिनाटी की वीडियो पर रिएक्शन दो, इनकी वीडियो आ चुकी है। तो मैंने मैंने भी देख लिया था कि इनकी वीडियो आ गई है, तो मैंने निकाल ली थी उनका रिएक्शन देख। आप लोगों की रिक्वेस्ट है मुझसे पहले, बट आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट कर दी। तो आओ देखते हैं कि कौन सी लड़कों का बेस्ट फ्रेंड है। मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ, ओके। तो देखते हैं क्या सीन है। अभी मैंने काफ़ी ट्रेंडिंग पर देखा है इस बंदे को, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कैरी मिनाटी ने रोस्ट कर ही दिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे देखने से पहले, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल भी क्लिक कर देना, और जो जो वीडियो पर रिएक्शन देखना चाहते हो मुझे लाजमी बताना। ओके लेट्स प्ले। बेस्ट फ्रेंड लड़कियों, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहे हैं? अरे जिंदगी के दुश्मन के भाई लौंडा है जो शीघ्र पसंद से पहले आ रहा हूँ मम्मी बोलता है। कैसे आज हम बात करने जा रहे हैं एक गुरु की, एक ब्यूटी फिल्टर की। यस, एक बात कहना चाहता है लड़कियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उस लड़के के साथ रहो जो आपको अपने घर पे ले जाए, ओयम पे नहीं। घर को ही ओयम बना दो, मम्मी सोचेगी जब नहीं भाई साहब उसके कहने का मतलब है कि शादी करके घर पे ले जा। लेकिन वैसे कैरी ने भी सही पकड़ा है। बना रहा होगा कि बेटा अगर तुमने जंगल खेल लिया है तो इस कोठे को वापस घर बना दे, क्या बाहर 24/7 का बोर्ड लगाना है। लड़कों का पीछा करना बंद कर दो, तुम क्वीन हो। मैं जस्ट हो गई, तभी तो कुछ क्वीन बिस्तर पे रख देती है। क्या जगह खाएगा आलू भूरा मुझे जब उठाऊं। इसकी मदद से कुछ करना चाह रहा है? ऐसी चिकनी चुपड़ी बात का सुनकर दिमाग खराब होता है। अरे महाज्ञानी जीवन गुरु का नाम है शिवम मलिक। हाँ जी, आप मदद के लिए हमें साथ रहा। तो आओ जान अपनी पेट की डाली जैसी झुकी गर्दन को सीधा करो और शुरू करते हैं बिना किसी बक। तो शुरू करते हैं बिना किसी बक। तो शुरू करते हैं बिना किसी बक। तो शुरू करते हैं बिना किसी बक। लड़कियों के जो लड़के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, वो आपको एक लिटिल सिस्टर की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। सही बात है। नो वे, बहुत पसंद है लेकिन अल्ट्रा थिन गर्लफ्रेंड का बात से तो नहीं लगता। जिस बात जो लड़ाई के बाद चंडल वंडल से कंधा देते हैं ना, मेन बेस्ट फ्रेंड कब तक उसका बेस्ट फ्रेंड बने रहोगे? अगर प्यार है, दिल में मोहब्बत है तो सीधा बोल दो। आपकी बड़ी उम्र हो गई है, ज्यादा एज हो गई है, आप कुछ नहीं कर सकते, कभी भी विस्फोट हो सकता है। अगर जब मेरे कट्टे जमीन छू रहे होंगे, चूचू और पेट में फर्क नहीं होगा तो विस्फोट होकर कहां मरूं? कोटे सलाने की उम्र शुरू हो गई, सक्सेस मिली जब पोते सलाने की उम्र आ गई। अब क्या मोटिवेशन है? मेरे झटक के तरह चल गया। आपने सोचा है कभी कि आपके पीछे अगर सांप पड़ जाए तो आप क्या करोगे? सांप आपके मारेगा अपनी जान बचानी है तो आप क्या करोगे? या तो वो आपको काट लेगा, वरना आपकी लुंगी में घुस जाएगा। काट लेगा तो ठीक है, लुंगी में घुस जाएगा, ये तो ऑप्शन है। अरे इतना घना जंगल, इतने बड़े पेड़, इतनी हरी धरती, लेकिन भूत से बचने के लिए सांप के पास एक पत्र, यही तो जगह है। मतलब चिड़िया का घोंसला, चूहे का बिल, भालू की गुफा और सांप की लुंगी। देखो अगर आप भागे हो आगे तो सीधी डायरेक्शन में भागोगे तो उसके लिए ज्यादा इजी होगा आपको पकड़ना। तो जिग जैग, कभी लेफ्ट कूदिए, कभी राइट कूदिए, फिर सीधे जाइए। अरे शिवम, वो तुम्हारी सही नहीं है जिसके साथ तुम खेल रहे हो। सांप है वो। राइट भैया राइट, ये कोई सहेली थोड़ी है आपकी। मतलब इधर जाओ मुझे कहो आओ, मैंने पकड़ लिया। मैं पिस होता है जिग-जैग भाग के उसके मजे मत लो, उसकी एक पप्पी घास शुरू कर देगी, फिर पूरे जंगल में टप्पे मारता फिरियो। जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में है ना, ये कुछ ऐसी टिप्स है जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो कम समय में ज्यादा ज्यादा। दिन के अंदर 7-8 ग्लास आपको पानी पीना है। तेरे घर कौन सा लक्ष्मी पानी टपकता है जो पढ़ाई अच्छी करवा रहा है? ये फेल करवाएगा।
शिवम मदद का ऐसा अबे पेपर क्लियर करना किडनी स्टोन नहीं। ये कुछ ऐसे साइन है कि आप अपने आप से ही दूर हो रहे हो। आप बीच बीच में नम फील करते हो। आप फील करते हो कि आपका कोई पर्पस नहीं है। दूसरों से डिस्कनेक्ट फील करते हो। अकेला महसूस करते हो। अपने दिमाग से एक जंग खेल रहे हो। सिर्फ एक ही चीज से आप सही हो सकते हो। सुबह 6 बजे उठ के दौड़ मारो, गहरी सांसें लो। लड़कियों कुछ लड़के स्पेशल भी होते हैं। जब वो गुस्सा हो जाता है तुम्हें कन्विंस भी करते साथ साथ, क्योंकि तुम सिली थिंग्स कर रही हो। क्या कर रही हो तुम? सिली थिंग्स कर रही हो। विक्की की शादी पे सलमान भाई ने कटरीना को क्या बोला? तुम सिली थिंग्स कर रही हो। रणवीर की नंगी फोटो देख के दीपिका ने उसे क्या बोला? तुम सिली थिंग्स कर रही हो। जब तुम्हारे गर्लफ्रेंड तुम्हें उसके मेन रेस्टोरेंट के लिए छोड़ते तो तुम उसे क्या बोलोगे? तुम सिली थिंग्स कर रही हो। शिवम मलिक वो सहेली है जिसके पैर उल्टे हैं, दिमाग को साफ नहीं करता है, दिमाग को मांझ सा। ये बातें आपने सोची कभी? इन्हें बिल्डिंग्स क्यों बोला जाता है जब ये ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है? नहीं सही बात है, जब ड्राइविंग करने वाले को ड्राइवर कहते हैं तो शिप चलाने वाले को शिपर क्यों नहीं कहते? जब शिवम मलिक रेड लाइट एरिया जाता है तो बत्तियां लाल से हरी हो जाती है कि भैया आ गया रक्षक, अब ये बातें सो देगा। कोई हमारा थॉट है जिसे हम सोचते हैं वो कहाँ चला जाता है जब हम उसे भूल जाते हैं? गीजर की कान में गड्ढे में बैठता है। अगर तुम खुद को पंच करोगे तो हाइट होगा, तो तुम वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो? छुपा हो तुम अगर अपने मुंह से फू करोगे तो ठंडी हवा आएगी, हाँ करोगे वो तो गर्म हवा आएगी। किसका भी बेस्ट फ्रेंड है ये? उससे पहले फ्रेंड के साथ, इसके दोस्त हमेशा अपने साथ आईक्यू रखते हैं, क्योंकि इसकी बातें सुनके जो आंखों में खून चढ़ता है ना, ऐसे ही गर्मी जा सकते हैं, बात गंजेरी समझेगा। एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि इंडिया में ब्राइड और ग्रूम जो दूल्हा और दुल्हन है 7 बारी अग्नि के चक्कर क्यों लगाते हैं, फेरे लेता है ना, तो क्यों, ये मान्यता क्या है, तो प्लीज बताइए। तो टीचर थे मैथ्स के और नेत्रहीन गार्ड का अंधा बालक मैथ्स के टीचर से ऐसा सवाल पूछ रहा है। ट्यूशन टीचर तो प्रार्थना करते हैं कि धन्य हो ऐसे चूते शिष्यों का जिनकी सोचने की क्षमता सिर्फ इतनी है कि अगर दो सेमी सर्कल बना दिए तो उनकी सोच गार्ड और चूतों से आगे। सही बात है, फार्मूला तो चलता है। जब भी ऐसा आपके दिमाग में आए ना कि दो चीज में से एक चीज चुननी है, तो आंखें बंद करिए, ऊपर वाले का नाम दीजिए और फ्लिप करिए कॉइन को, हेड आए तो होकर ये टेल आए तो होकर। यहाँ जिंदगी और मौत के फैसले लेने हैं और ये पुराने पिक्चरों के सीन एडवाइस की तरह चेप रहा है। तो आंखें बंद करिए, ऊपर वाले का नाम दीजिए और फ्लिप करिए कॉइन को, हेड आए तो होकर ये टेल आए तो होकर। क्या मुझे शिवम मलिक की एडवाइस लेनी चाहिए? सिक्का तो नीचे नहीं आ रहा है। आजकल सेक्स इजी है मिलना, लव मुश्किल है, कड़वा है पर सच है। इतना सत्य सुनने के बाद चांद ने चमकना बंद कर दिया, सूरज ने निकलना छोड़ दिया। किस काल्पनिक प्राणी के बोला भाई, अपनी हमारी जरूरत ही नहीं है, धरती पे ये है। सेक्स और गुटके में कोई फर्क ही नहीं है क्या? और ये तो चाहता ही नहीं है कोई सेक्स करे। कभी भी शादी सिर्फ सेक्स के लिए ना करें। तो कोई नहीं, इससे पहले कर लेते हैं जब डेट कर रहे हैं। डेट पर जाना ओके है, पर शादी से पहले बेड पर जाना नहीं। शादी से पहले सेक्स ना करो, सेक्स के लिए शादी ना करो। जब 50-60 साल की उम्र में सक्सेस मिल जाएगी तब करेगा। अगर कोई लड़की किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट है तो वो धीमी आवाज की जगह तेज आवाज में बात करना स्टार्ट कर देती है। ये सिर्फ शिवम मलिक के मल्टीवर्स में होता है। इसके टाइम लड़कियां बच्ची बन जाती है, हमारे टाइम लड़कियां हमेशा बच्चन बन जाती है। हाय रिया, हाय, हाय रिया, हाय, हाय, नमस्कार। वो रिया तुमसे कुछ पूछना था। हाँ जी बोल। क्या तुम अट्रैक्ट फील होता है? अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप, तो मेरे बड़े भाई जैसे। हाँ मतलब तो चलो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मेल बेस्ट फ्रेंड बनूं तो लाइक मारो, एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए। करोगे ना? और देखो हर बार तुम्हें बता रहा हूँ, कोई करेंगे, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो क्या लवर, मुझे नहीं पता, क्लिक
हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे सेक्स में शामिल करनी है। बाय मोहित, माता क्या आप योदा को रोना बंद करेंगे? मेरी जान भयभीत हो रही है। अगर मैं कहूँ ना हाँ कि मैं मेरी फ्रेंड हम दोनों तुम्हारे साथ करें ना तो मान जाओगे? हाँ चल करते हैं। अच्छा 100% एक बार मतलब इतने बड़े स्पीकर होने के बाद इतना मोटिवेट करने के बाद आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड। खैर जिसके भी हो क्या। तो गाइस कैरी ने बहुत अच्छा रोस्ट किया, बहुत आला में मुझे बहुत हंसी आई और बहुत टाइट लगा। और मुझे बताओ लास्ट में आवाज़ किसकी थी, किसकी रिकॉर्डिंग कर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ये करें? ओह माय गॉड। तो गाइस एनीवे वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, जिस वीडियो पर रिएक्शन देखना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। फिर मुझे नई वीडियो बताओ। बाय।